दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने ब्लॉगर ब्लॉग के सभी पोस्ट में सोशल मीडिया का शेयर बटन कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, आप भी इसी तरह से अपने ब्लॉग में सोशल मीडिया का शेयर बटन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सोशल मीडिया का शेयर बटन है, इसमें आपको व्हाट्सअप शेयर बटन भी मिल जाता है, जिसके जरिए विजिटर आपके ब्लॉग को व्हाट्सअप पर भी शेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि हमारे ब्लॉग में किस तरह से सोशल मीडिया का शेयर बटन लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमारे ब्लॉग पोस्ट के सबसे आखिरी में यहाँ पर सोशल मीडिया का शेयर बटन लगा हुआ है, जिसमें व्हाट्सअप शेयर बटन भी दिया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से अपने ब्लॉग में सोशल मीडिया का शेयर बटन लगा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ब्लॉग के सभी पोस्ट में सोशल मीडिया का शेयर बटन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे ब्लॉग में सोशल मीडिया का शेयर बटन लगा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये एक ब्लॉग है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ब्लॉग में सोशल शेयर बटन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पोस्ट के लास्ट में किसी भी प्रकार का सोशल शेयर बटन नहीं लगा हुआ है। यदि आपके ब्लॉग पोस्ट में सोशल मीडिया का शेयर बटन लगा हुआ है, तो आप उसको रिमूव करके जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, आप उस तरह से प्रोसेस करें, फिर आप अपने ब्लॉग में स्टाइलिश शेयर बटन लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हम इस ब्लॉग में सोशल शेयर बटन कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों ब्लॉग में सोशल शेयर बटन लगाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक आर्टिकल के थ्रू भी बताया गया है कि आप किस तरह से अपने ब्लॉग पोस्ट में सोशल शेयर बटन लगा सकते हैं। तो आप चाहे तो इस आर्टिकल को पढ़कर भी अपने ब्लॉग में सोशल मीडिया का शेयर बटन लगा सकते हैं। तो दोस्तों वैसे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ब्लॉग में शेयर बटन कैसे लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके। और इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक कोड देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह से कोड देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस सारे कोड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कोड है, सोशल शेयर बटन का कोड है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम आपको बता देते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है आपको अपने ब्लॉग में लगाने का, कि जो आपका जो ब्लॉग है उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो स्लो नहीं होगी, क्योंकि ये जो कोड है HTML और CSS कोडिंग की हेल्प से बना हुआ है। इसलिए जो आपकी ब्लॉग पोस्ट की जो लोडिंग स्पीड है वो स्लो नहीं होगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है। और कोड को कॉपी करने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपको अपने ब्लॉगर में नए वर्जन में लॉगिन करना है। इसके बाद अब आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको थीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एडिट HTML पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपके ब्लॉगर थीम का जो HTML का जो कोड बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो ब्लॉगर थीम का जिस सारी कोडिंग है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कोड यानी कि एक कीवर्ड सर्च करना है, और आपको कौन से कीवर्ड को सर्च करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इसी वेबसाइट पर आना है। आपको इस वेबसाइट में एक कोड देखने को मिलेगा यानी कि एक कीवर्ड देखने को मिलेगा, जिस कीवर्ड को आपको अपने ब्लॉगर थीम के HTML में सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा पोस्ट बॉडी। तो दोस्तों आपको इसी तरह से डाटा पोस्ट बॉडी टाइप करके अपने ब्लॉगर थीम के HTML में सर्च करना है। आप यहां पर देख लें कि यहां पर आपको किस तरह से डाटा पोस्ट बॉडी को टाइप करना है। तो यहां पर आपको इस कीवर्ड को यहाँ पर आपको अपने ब्लॉगर थीम के HTML में सर्च करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मोबाइल से ब्लॉगर थीम के HTML में इस कीवर्ड को सर्च करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मोबाइल से ब्लॉगर थीम के HTML में किसी भी कीवर्ड को बड़ी आसानी से कैसे सर्च करें, तो आपको उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। या आप इस पोस्ट पर आएंगे तो इस पोस्ट में आपको उस आर्टिकल का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोबाइल से ब्लॉगर थीम HTML में किसी भी कीवर्ड को कैसे सर्च करें। तो यहाँ पर आप क्लिक करके मोबाइल से ही अपने ब्लॉगर थीम के HTML में किसी भी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो इस कीवर्ड को हम अपने ब्लॉगर थीम के HTML में सर्च कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें डाटा पोस्ट बॉडी कुछ इस तरह से मिल गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये डाटा पोस्ट बॉडी, ये आपको आपके ब्लॉगर थीम के HTML में 2 से 3 बार मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको डाटा पोस्ट बॉडी जो दूसरा वाला जो आपको कोड मिलेगा, आपको उसी कोड को सर्च करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1 से 2 डाटा पोस्ट बॉडी इस तरह से सर्च आए थे, तो हमने यहाँ पर दूसरे डाटा पोस्ट बॉडी पर आए हैं। और यहाँ पर आपको करना क्या है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको आपने जो इस वेबसाइट में जो सोशल शेयर बटन का कोड कॉपी किया था, यहाँ पर आपको इस कोड को कॉपी करने के बाद अब
आपको अपने ब्लॉगर थीम के एचटीएमएल में इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको उस कोड को यानी कि सोशल मीडिया के शेयर बटन वाले कोड को इस डाटा पोस्ट बॉडी कीवर्ड के नीचे आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपको किस तरह से पेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इस तरह के डाटा पोस्ट बॉडी के नीचे इस जो सोशल शेयर बटन जो सारा कोड था हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये कोड स्टार्ट होता है शेयर बटन का और यहाँ पर जाके एंड होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको शेयर बटन के कोड को पेस्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको अपने ब्लॉगर थीम के एचटीएमएल को सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करके अपने थीम को सेव कर लेना है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं जो थीम है वो अपडेट हो चुकी है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम अपने ब्लॉग में वापस आ चुके हैं। इस ब्लॉग में हम देख लेते हैं कि हमारे ब्लॉग में सोशल मीडिया का शेयर बटन लग गया है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पर हम किसी भी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम पोस्ट के आखिरी में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे ब्लॉग के सभी पोस्ट में सोशल मीडिया का जो शेयर बटन है वो लग चुका है इस तरह से। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने ब्लॉग में सोशल मीडिया का शेयर बटन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।